हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टाइम्स एजुकेशन में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोशिका यानी सेल की। तो देखते हैं कोशिका या सेल मानव शरीर का कौन सा भाग है और इसका क्या कार्य है। तो कोशिका मानव शरीर की जो कोशिका होती है वो मानव शरीर की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। कैसी? मानव शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई। कोशिका क्या होती है? मानव शरीर की जो सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई जो होती है वो कोशिका होती है हमारे शरीर की। बात कोशिका यानी कि सेल, कोशिका को इंग्लिश में सेल बोलते हैं। कोशिका का जो टेक्निकल नाम जो है, कोशिका का टेक्निकल नाम है साइटो। वैसे हम कोशिका को सेल बोलते हैं लेकिन कोशिका का टेक्निकल नाम साइटो है। क्यों? और कोशिका का अध्ययन किया जाता है, कोशिका का जो अध्ययन किया जाता है वो साइटोलॉजी में किया जाता है। मानव कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी में। बात करें कोशिका की खोज किसने की या कोशिका के जनक कौन है? तो कोशिका के जो जनक हैं वो हैं हमारे रॉबर्ट हुक। कोशिका के जनक रॉबर्ट हुक हैं। तो रॉबर्ट हुक ने जो खोज की थी वो एक मृत कोशिका की खोज की थी। कैसी? रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले जो खोज की थी वो मृत कोशिका की खोज की थी। बात किया हम जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो सबसे पहले जीवित कोशिका की 1674 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है एंटोनी बॉन और ल्यूबन हॉक। कौन से? एंटोनी बॉन और ल्यूबन हॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। एंटोनी बॉन व ल्यूबन हॉक, एंटोनी बॉन व ल्यूबन हॉक ने सबसे सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की थी। कब? 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका की खोज की थी। अब बात करें हमारा जो कोशिका का सिद्धांत जो है वो किसने दिया था? तो हमारा जो कोशिका का सिद्धांत है वो दो वैज्ञानिक थे, एक थे स्लाइडन। कौन थे? एक स्लाइडन एवं एक वैज्ञानिक थे स्वान। स्लाइडन कोशिका का सिद्धांत जो दिया था हमारा, वो स्लाइडन एवं स्वान ने दिया था। क्या दिया था? कोशिका का सिद्धांत। बात करें कि हमारी जो विश्व में सबसे छोटी कोशिका किसकी है, सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो सबसे छोटी कोशिका जो हमारी है वो माइकोप्लाज्मा की होती है। किसकी? माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी, नोट करते जाइए आप साथ में, सबसे छोटी कोशिका जो होती है माइकोप्लाज्मा की होती है। अब बात करें कि सबसे छोटी अगर माइकोप्लाज्मा की होती है तो सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो सबसे बड़ी कोशिका आपने सुना होगा शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग सुना है आपने? तो सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका होती है। शुतुरमुर्ग के अंडे की सबसे बड़ी कोशिका जो होती है किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका। बात करें कि ये विश्व में सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका। अब बात करें कि मानव जो होता है, मानव मनुष्य, मनुष्य में सबसे छोटी और बड़ी कोशिका कौन सी होती है? मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो मानव में जो सबसे छोटी कोशिका होती है स्पर्म की, स्पर्म यानी कि शुक्राणु। मानव में सबसे छोटी कोशिका जो होती है स्पर्म यानी शुक्राणु की होती है, जो मेल में होती है। मेल के शुक्राणु की कोशिका सबसे छोटी होती है। और मानव में सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो फीमेल के अंडाणु की कोशिका होती है। किसकी? फीमेल के अंडाणु की कोशिका। मानव में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म यानी शुक्राणु की, और मानव में सबसे बड़ी कोशिका जो होती है फीमेल के अंडाणु की कोशिका होती है। बात करें कि मानव में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? मानव में सबसे लंबी कोशिका, तो मनुष्य में जो सबसे लंबी कोशिका होती है वो होती है हमारी न्यूरॉन। न्यूरॉन सुना होगा आपने। न्यूरॉन कौन सी कोशिका होती है? मस्तिष्क की कोशिका। न्यूरॉन मस्तिष्क में सबसे लंबी कोशिका, मस्तिष्क की मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो होती है न्यूरॉन होती है, जो मस्तिष्क में होती है। बात करें हमारी विभाजन रहित कोशिका। विभाजन का मतलब है, विभाजन से मतलब है जिस कोशिका का विभाजन ना हो, जिस कोशिका का विभाजन ना हो, जो अपने से ज़्यादा में एक दूसरे में नहीं टूटे। अगर एक बार मृत हो जाए तो मतलब दोबारा उसे किसी कोशिका का निर्माण ना हो, तो वो कोशिका होती है हमारी न्यूरॉन की। और किस में होती है? ये कोशिका होती है हमारी मस्तिष्क में, न्यूरॉन की। इसीलिए कहा जाता है कि हेलमेट लगाकर चलें, क्योंकि अगर मस्तिष्क में एक बार जो कोशिका डैमेज होती है उसका दोबारा से खंडन नहीं होता है और व्यक्ति कोमा में चला जाता है।
अच्छा, सबसे बात करेंगे मानव शरीर की सबसे तेजी से विभाजन होने वाली कोशिका कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे तेजी से विभाजन होने वाली कोशिका जो है वो लीवर की है, लीवर यानी कि यकृत की। तो मानव शरीर में सबसे तेजी से विभाजित होने वाली कोशिका लीवर की है। चलिए नोट करिए जल्दी जल्दी, कोशिका का टेक्निकल नाम जो है वो साइटो है। कोशिका का अध्ययन जो किया जाता है साइटोलॉजी में, खोजे जनक रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी कब, 1665 में। 1665 में मृत कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। और जीवित कोशिका, सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो वो थे एंटोनी वॉन वर लीवेनहॉक, इन्होंने की थी 1674 में। कब, 1674 में जीवित कोशिका की खोज। बात करें कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, तो वैज्ञानिक थे स्लाइडन और स्वाइन, इन्होंने कोशिका का सिद्धांत दिया था। और जो विश्व में सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो माइकोप्लाज्मा, और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका। बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आता है। अब बात करें मानव शरीर की, तो मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म यानी शुक्राणु की होती है, और मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो अंडाणु की होती है। किसके, फीमेल के अंडाणु की सबसे बड़ी कोशिका होती है मानव शरीर में। सबसे लंबी कोशिका की बात करें तो न्यूरॉन की सबसे लंबी कोशिका जो मानव मस्तिष्क में होती है। और विभाजन रहित कोशिका यानी जिस कोशिका का विभाजन ना हो, जो खंडित एक से ज़्यादा खंडन ना हो सके उसके, तो वो होती है न्यूरॉन यानी जो मस्तिष्क की कोशिका होती है, वो उसके खंडन नहीं होते हैं। बात करें तेजी से विभाजन, सबसे ज़्यादा विभाजन कहाँ होता है कोशिका का, तो सबसे ज़्यादा विभाजन कोशिका का होता है हमारे लीवर में, बहुत जल्दी से विभाजन। इसका मतलब ये कि अगर एक कोशिका मर जाए तो दूसरी कोशिका उसका निर्माण करती है, और एक कोशिका अपनी जगह चली जाती है जहाँ खंडन होता है, और दूसरी कोशिका जहाँ जो कोशिका पुरानी वाली मर जाती है उस कोशिका का जगह ले लेती है, कौन सी कोशिका, नई कोशिका। इसलिए मानव शरीर में सबसे तेजी से विभाजन हमारा कोशिका का होता है, तो वो होता है हमारे लीवर में। अब बात करें कोशिका का कार्य क्या है, मानव शरीर में सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई कोशिका है, कोशिका का क्या कार्य करती, कोशिका क्या कार्य करती है, इसे जल्दी जल्दी नोट कीजिएगा, आगे बताने वाले हैं कोशिका का कार्य। तो हमारी जो कोशिका होती है मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, हमारे देखिए कोशिका, मानव शरीर की जो कोशिका होती है, कोशिका यानी कि सेल, मानव शरीर की कोशिका यानी सेल हमारे शरीर में ऊतक का निर्माण करती है। किसका, ऊतक का, जिसे हम बोलते हैं टिश्यू। मानव शरीर की जो कोशिका होती है वो ऊतक का निर्माण करती है। ऊतक क्या होता है, ऊतक दो प्रकार के होते हैं। ऊतक दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं, ऊतक संयोजी ऊतक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, संयोजी ऊतक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कैसे, एक तरल संयोजी ऊतक और एक सॉलिड यानी ठोस संयोजी ऊतक। तरल संयोजी ऊतक में हमारा रक्त आता है, और ठोस संयोजी ऊतक जो होता है हमारा उसमें हमारी हड्डी आती है। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारे ऊतक होते हैं संयोजी ऊतक वो दो प्रकार के होते हैं, एक तरल एक ठोस। तरल संयोजी ऊतक में हमारा रक्त और ठोस संयोजी ऊतक में हमारी हड्डी आती है। अब बात करें कोशिका यानी सेल जो होती है उससे ऊतक का निर्माण होता है। अब बात करें ऊतक से किसका निर्माण होता है, ऊतक हमारी हड्डी भी ऊतक है रक्त भी ऊतक है, तो ऊतक से जो निर्माण होता है वो हमारे अंग का निर्माण होता है। ऊतक से अंग का, हमारे अंग का निर्माण होता है ऊतक से। और अंग से किसका निर्माण होता है, कोशिका से निर्माण होता है ऊतक का, ऊतक से होता है अंग का, और अंग से निर्माण होता है हमारे अंग तंत्र का। हमारे शरीर में अंग से अंग तंत्र का निर्माण होता है, और अंग तंत्र के बाद अंग तंत्रों को मिला दिया जाए तो हमारे शरीर का निर्माण होता है, शरीर का। तो कोशिका से ऊतक का निर्माण, ऊतक से अंग का निर्माण, अंग से अंग तंत्र, और अंग तंत्र शरीर। जैसे अगर हमारी ईंट होती है, ईंट अगर हम ईंट को मिलाएं तो क्या बनती है हमारी, दीवार। और दीवार को मिलाकर क्या बनता है, कमरा। और अगर कमरे को सही तरह से मिलाया जाए तो क्या बनता है हमारा, मकान या घर। इसी तरह से हमारे शरीर में सबसे छोटी सेल जो छोटी इकाई जो है वो कोशिका है, और कोशिका को अगर मिलाया जाए तो ऊतक बनते हैं, और ऊतकों से अंग का निर्माण होता है, अंग से अंग तंत्र का, और अंग तंत्र से हमारे शरीर का निर्माण होता है। जल्दी जल्दी नोट कीजिएगा, आगे बात करें हम कि कोशिका कितने प्रकार की होती है। तो जो कोशिका होती है वो दो प्रकार की होती है। कोशिका का एक होता है हमारा सुरक्षात्मक आवरण, क्या होता है, सुरक्षात्मक आवरण, और दूसरा होता है हमारा प्रोटोप्लाज्म। दो प्रकार की, एक सुरक्षात्मक आवरण, एक प्लोटोप्लाज्म यानी कि हमारा जीव द्रव्य। और जो सुरक्षात्मक आवरण होता है हमारा, ये दो प्रकार का होता है, कौन सा, सुरक्षात्मक आवरण दो प्रकार का, एक कोशिका भित्ति, एक कोशिका भित्ति, और दूसरी क्या होती है हमारी, एक कोशिका भित्ति और दूसरी होती है हमारी कोशिका झिल्ली।
सुरक्षात्मक आवरण जो होता है दो प्रकार का, एक कोशिका भित्ति होती है हमारी, एक कोशिका झिल्ली। कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली क्या होती है? हमारी जो कोशिका भित्ति होती है वो पादप कोशिका में पाई जाती है, पादप कोशिका में पाई जाती है। बात करें एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है, पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में, दोनों में या किसी में नहीं, तो आपको लगाना है पादप कोशिका। हमारी जो कोशिका भित्ति होती है वो पादप कोशिका में पाई जाती है और ये पादप कोशिका का बाहरी आवरण होती है, और ये पादप कोशिका का और ये पादप कोशिका का बाहरी आवरण होती है और ये पादप कोशिका का क्या होती है? बाहरी आवरण होती है। बात करें हमारी कोशिका भित्ति क्या होती है, तो कोशिका भित्ति जो होती है वो पादप कोशिका में पाई जाती है। कोशिका भित्ति किस में? कोशिका भित्ति पादप की कोशिका में पाई जाती है और ये कोशिका का और ये पादप जो कोशिका होती है उसका बाहरी आवरण होती है। किस कौन? कोशिका भित्ति। अब बात करें कोशिका झिल्ली की, तो हमारी जो कोशिका झिल्ली होती है ये जंतु कोशिका में पाई जाती है। किस में? जंतु कोशिका में। ये जंतु कोशिका में पाई जाती है। बात करें कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है, तो पादप कोशिका में। बात करें कोशिका झिल्ली किस में पाई जाती है, तो कोशिका झिल्ली ये जंतु कोशिका में पाई जाती है और ये जंतु की जो कोशिका होती है उसका बाहरी आवरण होती है और यह जंतु कोशिका का और यह जंतु कोशिका का बाहरी आवरण होती है और यह जंतु कोशिका का बाहरी आवरण होती है। आप साथ में नोट करते जाइएगा जल्दी जल्दी। अब बात करें हम सुरक्षात्मक आवरण जो होता है वो कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। पादप कोशिका पाई जाती है और ये पादप कोशिका का बाहरी आवरण, ये जंतु कोशिका में पाई जाती है और ये जंतु कोशिका का बाहरी आवरण होती है। बात करें जो सुरक्षात्मक आवरण यानी कोशिका झिल्ली जो हमारा भाग होता है ये जंतु कोशिका में पाई जाती है और यह जंतु कोशिका का बाहरी आवरण होती है। जो कोशिका झिल्ली होती है ये एक चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है। चयनात्मक पारगम्य, पारगम मतलब जिसके आर पार देखा जा सके, ये एक चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है। क्या होती? कौन सी? कोशिका झिल्ली, चयनात्मक। और जो कोशिका झिल्ली की बात करें तो इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि इसे कोशिका का द्वारपाल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है कोशिका झिल्ली को? इसे कोशिका का द्वारपाल भी कहा जाता है। किसे? कोशिका झिल्ली को क्या कहा जाता है? कोशिका झिल्ली को कोशिका का द्वारपाल भी कहा जाता है। जो कोशिका भित्ति जो होती है हमारी वो पादप कोशिका में पाई जाती है और ये पादप कोशिका का बाहरी आवरण होती है। जल्दी जल्दी नोट कीजिएगा। आगे देखते हैं हम कि मानव की जो कोशिका होती है वो किसकी बनी होती है। मानव की कोशिका किसकी बनी होती है? तो कुछ लोगों को शायद पता होगा कि मानव की कोशिका किसकी बनी होती है। अगर नहीं पता तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। देखते हैं, मानव की जो कोशिका होती है हमारी वो सेलुलोज की बनी होती है। मानव की कोशिका सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज क्या होता है? सेलुलोज जो होता है वो एक कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट कौन सा? अब बात करें कार्बोहाइड्रेट कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है, तो वो एक पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है। लिखेंगे मानव की जो कोशिका होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। मानव की कोशिका किसकी? सेलुलोज की बनी होती है। मानव की कोशिका सेलुलोज की बनी होती है। मानव की कोशिका किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। अब बात करें सेलुलोज क्या होता है। सेलुलोज जो होता है हमारा वो होता है कार्बोहाइड्रेट। सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट होता है। बात करें जो हमारी और कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट तीन प्रकार के होते हैं, तो हमारा जो सेलुलोज होता है वो पॉलीसेकेराइड नामक कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। कौन सी? पॉलीसेकेराइड। मानव की कोशिका पॉलीसेकेराइड नामक कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। जो सेलुलोज की बनी होती है वो पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है। और जो पॉलीसेकेराइड हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है ये ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट ये
ये ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है। ये ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला ये ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट क्या है? पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट। ये सेलुलोज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। कौन सा? पॉलीसैकेराइड। और पॉलीसैकेराइड जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो ध्यान रखना है कि मानव की जो कोशिका होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। बात करें कि हम जो कवक होते हैं हमारे, वो कवक की कोशिका किसकी होती है? कवक की कोशिका किसकी बनी होती है? तो कवक की कोशिका लिखेंगे, कवक की कोशिका जो होती है, कवक की कोशिका काइटिन की बनी होती है। किसकी? काइटिनोइड करते जाइए साथ में। कवक की कोशिका जो होती है काइटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। अब बात करें कि एक हमने कोशिका का पहला भाग सुरक्षात्मक आवरण पढ़ चुके हैं। क्या? सुरक्षात्मक आवरण। दूसरा भाग है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म। मानव की कोशिका किस तरह की बनी होती है? कुछ इस तरह की मानव की कोशिका बनी होती है, और इसके अंदर जो होता है वो जीव द्रव्य भरा होता है। अब हम बात करें कि जो बाहरी आवरण क्या होता है, सुरक्षात्मक आवरण का जो बाहरी आवरण होता है वो होती है हमारी कोशिका भित्ति, और जो अंदर वाली जो परत होती है वो होती है कोशिका झिल्ली। क्या होती है? कोशिका झिल्ली, जो हमारी पारगम्य झिल्ली होती है, जिसे बोलते हैं कोशिका झिल्ली को पारगम्य झिल्ली बोलते हैं। और अंदर जो हमारा भरा होता है वो हमारा क्या होता है? जीव द्रव्य, केंद्रक द्रव्य, तरल पदार्थ भरा होता है। और जो हमारी कोशिका झिल्ली जो होती है, कोशिका झिल्ली, इसे हम कोशिका का द्वारपाल कहते हैं। इसे हम कोशिका का क्या कहते हैं? कोशिका का द्वारपाल। किसे कहते हैं? कोशिका झिल्ली को। जल्दी जल्दी नोट करते जाइएगा। आगे देखते हैं, बात करेंगे जीव द्रव्य की, जीव द्रव्य क्या होता है, उसका क्या कार्य है। तो मानव की कोशिका का दूसरा भाग जो जीव द्रव्य होता है, यानी प्रोटोप्लाज्म, कोशिका में जो भरा रहता है जीव द्रव्य, उसके कई पार्ट हैं। जीव द्रव्य के पार्ट हैं, एक तो है केंद्रक द्रव्य हमारा, एक केंद्रक द्रव्य, और एक है हमारा कोशिका द्रव्य, यानी जिसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इसके अंतर्गत, कोशिका द्रव्य के अंतर्गत क्या होता है? हमारा जो केंद्रक, सबसे पहले बात करते हैं हम केंद्रक द्रव्य की। हमारा जो मनुष्य के कोशिका का जो भाग होता है, जो केंद्रक द्रव्य जो भाग होता है, उसे हम कोशिका का निर्देशक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका का निर्देशक। कोशिका का निर्देशक का मतलब है कि कोशिका जिसके आदेश पर कार्य करती है, जो कोशिका के लिए निर्देश देता है, वो हमारा होता है केंद्रक द्रव्य। बात करें कोशिका द्रव्य हमारा जो होता है, उसके कई पार्ट होते हैं। कौन से? जैसे अंतःप्रद्रव्य जालिका, अंतःप्रद्रव्य जालिका, अंतःप्रद्रव्य जालिका, राइबोसोम, लाइसोसोम। एक होती है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया, कौन कौन से? अंतःप्रद्रव्य जालिका, राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, बर्डी लावा। ये हमारे जो है कोशिका द्रव्य के भाग होते हैं। इन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट टू में, तो पार्ट टू देखना ना भूलें ध्यान से। और हमारी जो पिछली वीडियो है मस्तिष्क वगैरह की वीडियो हमने डाली हैं, वो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं।